जीतने के लिए दुर्गम बनो, क्योंकि जीत आपकी है। द बेस्ट लीडरशिप मैन मैनेजमेंट एंड टीम वर्क कैन विन यू एनी बैटल इन द वर्ल्ड। वी डिड समथिंग बिगर देन विनिंग अ मेडल इन ओलंपिक्स। वी क्रिएटेड अ लेगेसी। आई विल बी कनेक्टेड टू इंडिया इन माई होल लाइफ। ये शब्द किसी और के नहीं, इंडियन वीमेन्स हॉकी टीम के पूर्व कोच शूट मराइने के हैं, जिन्होंने इंडियन टीम्स को अग्रेसिव हॉकी खेलने के साथ साथ एक अच्छा टीम वर्क और लीडरशिप के कई सारे लेसन सिखाए। वीमेन्स हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल से लेकर गोलकीपर सविता पुनिया तक, वंदना कटारिया से लेकर मिडफील्डर नेहा गोयल तक, सब मराइने की कोचिंग और मैनेजमेंट की बार बार सराहना करते हैं। मराइने के कार्यकाल में 2017 से 2021 तक कई प्लेयर्स साधारण हॉकी से अटैकिंग हॉकी खेलने लगे। कई प्लेयर्स ने हॉकी की मेंटल कंडीशनिंग को सीखा, जिससे प्रेशर सिचुएशन में अच्छा परफॉर्म किया जा सके। आप सोच रहे होंगे कि मेंटल कंडीशनिंग क्या होती है, ये कैसे काम करती है। यह एक प्रकार का प्रशिक्षण है जहां एक एथलीट अपने मानसिक कौशल को सुधारने या उसको अनुकूलित करने की क्षमता से परिचित हो जाता है, लक्ष्य पर लगातार ध्यान केंद्रित कर पाता है और अपने मानसिक कौशल से किसी भी परिस्थिति में सरवाइव कर पाता है। इंडियन टीम का 2017 के रियो ओलंपिक्स में निराशाजनक परफॉर्मेंस रहने के बाद मराइने का कोच बनना इंडियन हॉकी फेडरेशन और उनके बीच में गैम्बल था, क्योंकि इससे पहले मराइने ने डच सीनियर विमेंस टीम और मेंस अंडर 21 की ही कोचिंग की थी, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर उनका कुछ खास अनुभव नहीं रहा। पॉजिटिव इम्पैक्ट, उन्होंने लड़कियों को बड़ा सपना देखना सिखाया और हर रोज ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेकर आने के लिए मैनिफेस्टेशन का सहारा लिया। इंडियन प्लेयर्स बताते हैं वे कभी भी नेगेटिव नहीं बोलते थे, चाहे विरोधी टीम ने हम पर 50 गोल ही क्यों नहीं दागे हों, ऐसी परिस्थिति में भी वो पॉजिटिव रहते थे और हमें बार बार कहते रहते थे कि इस टीम से बेहतर कोई और टीम नहीं है, हम इस बार ओलंपिक्स जीत रहे हैं। उनके इस रवैये ने टीम का माहौल बदल दिया और धीरे धीरे एक अच्छी टीम बनने लगी। यह एक मुख्य डिफरेंस था जो प्लेयर्स अन्य कोचेज में और मराइने में बताते थे। मराइने बार बार प्लेयर्स को उनकी ताकत याद दिलाते रहते और प्लेयर्स को एक अच्छे दोस्त की जैसे ट्रीट करते। इन्फिनाइट स्पिरिट ऑफ द गेम, द लेसन ऑफ गुड लीडर। डिफेंडर गुरजीत कौर कहती है कि मराइने कभी किसी के सामने आपको इंस्ट्रक्शंस नहीं देते, बल्कि अकेले में आपको दोस्त बनकर आपको समझाते हैं, आपको आपकी ताकत याद दिलाते रहते हैं और सीनियर प्लेयर्स को उनकी इम्पोर्टेंस बताते रहते हैं, जूनियर प्लेयर से बात करते रहते हैं, उन्हें अपने आप पर भरोसा दिलाते रहते हैं कि वे उनके साथ हैं। गुड माइंडसेट ऑफ टीम वर्क, जेन स्कॉफमैन, जो कि इंडियन टीम की एनालिटिकल कोच थी और हाल ही में इंडियन टीम में मुख्य कोच की भूमिका निभा रही है, उन्होंने मराइने के साथ अच्छा समय बिताया। वह कहती है कि मराइने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करते थे, जो परेशानी और गलती उन्होंने हॉकी प्लेयर होने के नाते की थी वो इससे इन प्लेयर्स को बचाना चाहते थे। वो हम सबके साथ बराबर मेहनत करते और वो हर प्लेयर को ग्रो कराना चाहते थे। ये एक बहुत बड़ा कारण था कि हम उन्हें बहुत रिस्पेक्ट देते थे और ये दिखा 2022 के टोक्यो ओलंपिक्स में, जब ऑस्ट्रेलिया जैसी वन नंबर वन टीम को इंडिया ने घुटनों के बल बिठा दिया और 1-0 के अंतराल से मैच हराते हुए क्वार्टर फाइनल्स में जगह बनाई। टोक्यो ओलंपिक्स की शुरुआत में भारत दुनिया में 8वें नंबर पर था और उसे गंभीर दावेदार नहीं माना जा रहा था। उनकी कोचिंग में भारत का ऐतिहासिक प्रदर्शन रहा, पहली बार भारत सेमीफाइनल में पहुंचा। भारतीय टीम ने ग्रुप चरण में नीदरलैंड से 1-5, जर्मनी से 0-2 और ग्रेट ब्रिटेन से 1-4 से हारते हुए टूर्नामेंट में अच्छी शुरुआत नहीं की, लेकिन गोलकीपर सविता पुनिया बताती है कि जहां एक और सभी खिलाड़ी निराश थे, वहीं एक और हमारे कोच हमें क्वार्टर्स में पहुंचने के लिए हमारे चांसेस बता रहे थे, ताकि जो भी हुआ हम उसे भूल जाएं और पूरी जान लगा के नेक्स्ट मैच में हिस्सा लें। नेवर गिव अप, स्टैंड टॉल एंड शो द वर्ल्ड व्हाट यू आर। व्हेन द वर्ल्ड बीट्स यू डाउन, फाइंड अ रीजन टू गेट बैक अप।
ट्राई ट्राई एंड ट्राई अगेन। हालांकि भारत ने इस मंत्र पर खरे उतरते हुए क्वार्टर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करने के लिए आयरलैंड को 1-0 और दक्षिण अफ्रीका को 4-3 से हराया। उसके बाद मुकाबला था वर्ल्ड नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया से। रिगार्डलेस ऑफ द स्पोर्ट, ऑस्ट्रेलियन स्पोर्ट हैज ऑलवेज बीन डिफाइंड बाय फिजिकल एग्रेशन। इट इज मोर कल्चरल देन एनीथिंग एल्स। ऑस्ट्रेलियन टीम को हराना दूर की बात थी, लेकिन उनके साथ फील्ड में उनके एंड्यूरेंस और वर्क स्किल्स को भी कम्पीट नहीं किया जा सकता था। शूट मराई ने इस ओलंपिक्स के बाद अपना कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू नहीं करना चाहते थे। वे अपने वतन लौटना चाहते थे और अपने परिवार के पास जाना चाहते थे, क्योंकि पिछले 4 साल से वे अपने परिवार से नहीं मिल पाए। जब इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से मात दे रही थी और फोर्थ क्वार्टर का टाइम ओवर हो रहा था, स्टैंड्स में वंदे मातरम की गूंज सुनाई देने लगी। फाइनल विसल बजी और इंडियन टीम को भरोसा नहीं हो रहा था कि उन्होंने वर्ल्ड चैंपियंस को हराकर सेमीफाइनल्स में जगह बना ली। मराइने ने अपने घर वीडियो कॉल किया और इमोशनल हो गए। पूरा देश मराइने और उनकी टीम को बधाई दे रहा था कि आज इंडियन विमेंस टीम ने अपने आप को साबित कर दिया। बेहतरीन प्रदर्शन के बावजूद इंडियन टीम मेडल तो नहीं ला सकी, लेकिन मराइने और उनकी टीम ने फील्ड पर हॉकी स्टिक के साथ खेले जाने वाले इस खेल में नई ऊर्जा प्रदान कर दी। इंडिया जैसे देश में जहां क्रिकेट को अधिक महत्वता दी जाती है, उस देश में हॉकी की नई क्रांति ला दी। ग्रेट ब्रिटेन से हारने के बाद भले ही इंडियन टीम की सभी प्लेयर्स इमोशनल हो गई और उनके आंख से आंसू निकल आए, लेकिन उनकी हिम्मत और जुनून के आगे ग्रेट ब्रिटेन की जीत भी कम लगने लगी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी ने भारत की कप्तान रानी रामपाल से लेकर सभी प्लेयर से और मराइने को धन्यवाद दिया और उनके बेहतरीन खेल दिखाने पर सभी को शुभकामनाएं दी। मेहनत, हिम्मत और कमबैक्स की कई कहानियां मैं आपके लिए लाकर रहूंगा। अगर आपको ये एडिशन पसंद आया तो मुझे आप ईमेल कर सकते हैं ताकि मैं आपके लिए और ऐसी कहानियां लेकर आता रहूँ।